हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई 69,000 को लेकर तो सुनवाई आप सभी के लखनऊ खंडपीठ के अंदर होने वाली है, लेकिन एक और एक महत्वपूर्ण सुनवाई है जो कि दोस्तों 68,500 की है, ठीक है ना। अब वो भी दोस्तों आप सभी की होने वाली है लखनऊ बेंच के अंदर, जिसकी दोस्तों कॉज लिस्ट आ चुकी है। पहले तो मैं आप सभी को कॉज लिस्ट दिखा देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों हम कवर करेंगे जिसके अंदर 68,500 की बची हुई सीटों को सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों मैं आप सभी को दोनों पहले कॉज लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने कॉज लिस्ट आ चुकी है। मैं आप सभी को बता दूँ 27 तारीख को आप सभी की सुनवाई होने वाली है, कोर्ट नंबर 23 के अंदर सीजन नंबर 8 पे आप सभी की सुनवाई होगी। और इसकी जो सुनवाई चल रही है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ मुद्दे पर जिन्होंने अपना निर्णय दिया था जस्टिस राजेश सिंह चौहान ही दोस्तों इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो लगातार दोस्तों इस केस की डेट तो लगती, कई बार क्या होता है कि डेट बहुत पीछे होती है और बहुत ज़्यादा पीछे होने की वजह से कभी इसका नंबर नहीं आता, और कभी इसका नंबर आता है तो दोस्तों जो तब तक उसका टाइम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ देखने के लिए दोस्तों अभी तक मिला था 68,500 के अंदर। लेकिन दोस्तों उसके अंदर मैं आपसे को 69,000 पे भी कवर करके बता दूं कि 69,000 की भी दोस्तों लखनऊ के अंदर सुनवाई होने वाली है। 28 तारीख तक की कॉज लिस्ट आ चुकी है, लेकिन डेली कॉज लिस्ट के अंदर अभी तक दोस्तों मुद्दा ही कट ऑफ तो नहीं है। लेकिन जो दोस्तों मेन सुनवाई होने वाली है जो कट ऑफ को लेकर, वो तभी डिसाइड होगी जब दोस्तों वकीलों की हड़ताल समाप्त होगी। लेकिन अभी तक वकीलों की हड़ताल दोस्तों आप सभी को पता है कि एक मीटिंग होने वाली है 24 तारीख को 4:25 पर, उसके बाद ही सारी की सारी जो चीज़ें वो डिसाइड होंगी कि ये मीटिंग जो है कब तक इसकी हड़ताल चलती रहेगी और कब तक ये वाली हड़ताल खत्म होने वाली है। तो इसको लेकर भी दोस्तों मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सीएल नंबर 8 पर सर्ज स्पेशल अपील की बात की जाइए और 6000 सॉरी सर्विस बेंच की यहाँ बात की गई है। तो 6000 नंबर की दोस्तों आप सभी की याचिका संख्या 2019 आप यहाँ देख सकते हैं। आलोक कुमार एंड दोस्तों जो अदर्ज लगी हुई है इस याचिका की सुनवाई होने वाली है, जो आप सभी के सामने अवेलेबल है। तो एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इस केस की भी सुनवाई दोस्तों लखनऊ बेंच के अंदर ही होनी है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में ही हड़ताल चल रही है। 24 तारीख को मेन आप सभी की मीटिंग होगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 24 लग गया बाई मिस्टेक, उसको लेकर मैं आप सभी को बता दूँ कि दिन में दोस्तों एक सुबह वीडियो बनाई जाती है। क्या होता है कि वीडियो बनाने के बाद डेट चेंज करनी होती है, तो इसी चक्कर में ये वाली डेट भी दोस्तों यहाँ पे चेंज हो गई। मुझे लगा कि यार 24 होगी, अभी मुझे याद आया कि मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ, तो बाई मिस्टेक दोस्तों यहाँ पे होगी, उसका कंसर्न नहीं है। अभी ये चेंज भी नहीं हो सकती जब एक बार लग जाती है। तो 24 तारीख दोस्तों यहाँ पे लिखी, उसका कोई कंसर्न नहीं होगा। लेकिन मैं आप सभी को बताऊँ 24 तारीख को एक अहम मीटिंग होगी शाम को 4:30, उसमें डिसाइड होगा कि भाई हड़ताल कब तक चलेगी। अगर हड़ताल जल्दी समाप्त नहीं होती है तो दोनों ही केसों की जो डेट है वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, और जल्दी दोस्तों उम्मीद है कि सोमवार को जो इनकी केस की भी सुनवाई होगी वकीलों के केसेस को लेकर, उसमें दोस्तों वो हो सकता है वो डिसाइड कर लें कि आने वाले टाइम में जो हड़ताल है उसको खत्म कर दें और अपना काम शुरू कर दें। तो संडे कल ही दोस्तों ये फाइनल हो जाएगा, संडे के बाद दोस्तों कॉज लिस्ट आनी भी शुरू हो जाएंगी एडिशनल। तो उम्मीद है दोस्तों जल्दी से जल्दी हड़ताल को लेकर वहाँ से डिसीजन निकलेगा। लेकिन अब लखनऊ खंडपीठ के अंदर दो अहम सुनवाई होने वाली है, एक मुद्दा है कट ऑफ, और दूसरी तरफ अगर मैं आप सभी के सामने बात करूँ 68,500 की बची हुई 22,000 सीटों पर दोस्तों सुनवाई होगी, जिसको लेकर दोस्तों कॉज लिस्ट मैंने आप सभी को दिखा दी है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।